ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ सत श्री अकाल जी, मैं हाँ खुशबू। इस वेले की वड्डी खबर लुधियाना तो सामने आ रही है, जिथे कि लुधियाना दे विच छोटे बच्चों की लड़ाई तो बाद एक खूनी झड़प छिड़ जाती है। रंजिश दे चलदे आ ये जो झड़प हुई है, दस दिए कि 10 तो 12 लोग गंभीर जख्मी हुए ने। तेज धार हथियारों के नाल एक दूसरे पर वार किया गया। 2 दिन पहला बच्चों की आपस दे विच गली दे विच लड़ाई हो जाती है, जिस तों बाद वड्डियां दे वल्लों इस गल नूं होर वधा दिता जाता है। तो तेज धार हथियारों के नाल एक दूसरे से वार किए गए ने। ये जो घटना है लुधियाना के शहीद भगत सिंह नगर के वापरी है, जिथे 2 गुटों के विचाले जम के तेज धार हथियार चले ने। दोवें पक्षों के 10 तो 12 लोग जख्मी हुए ने। तो इलाके दे विच लगे CCTV दे विच ये घटना जो है कैद हो चुकी है। मारकुट के दौरान मोहल्ले दे विच कई गड्डियां भी नुकसानियां गई ने। पहले पक्ष तो रजिंदर ने दस्या कि 2 दिन पहला इलाके दे विच कुछ बच्चे आपस दे विच लड़ रहे सी। उन्हां बच्चों की लड़ाई नूं रोकण गए लोकां दे रोकण गए सी, पर उन्हां दे परिवारक मैंबर उन्हां नूं गलत समझ बैठे। जो बच्चे लड़ रहे सी उन्हां दे विचों एक बच्चे दे परिवार तो एक महिला ने लड़ाई दी ज़्यादा टेंशन लै ली, जिस कारण उसकी मौत हो गई सी। उन्हां लोकां ने एतवार नूं रंजिश दे चलदिआं कुछ नौजवानों नूं इलाके दे विच बुलाया ते जम के हंगामा किया गया। रजिंदर के मुताबिक 35 तो 40 लोग गड्डिया दे विच बैठ के उन्हां दे मोहल्ले दे विच आउंदे ने, तां कुट्टना मारना शुरू कर दिता जांदा है। हमलावरां दी अगवाई प्रिंकल नाम दे एक शख्स ने कीती सी, तां उस दे नाल एक सुरक्षा कर्मचारी भी मौजूद सी। नौजवानों वालों की गई मारकुट CCTV कैमरा दे विच कैद हो चुकी है, तस्वीरां सामने आईयां ने। तां दूजे पक्ष का कहना कि जख्मी हरप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, ईशप्रीत सिंह, चरणजीत सेठी, पारस ते अरुण इस दे विच जख्मी ने। मनप्रीत कौर ने दस्या कि 2 दिन पहला उन्हां दे घर दे विच 10 तों 15 लोगों ने हमला किया, जिस दे विच उन्हां दा बेटा ते गंभीर जख्मी हो जाता है। पुलिस नूं सूचित किया गया, पर थाने दे विच इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अजिही गल उन्हां दे वल्लों कीती गई। तां तस्वीरां भी सामने आईयां ने, CCTV तस्वीरां बच्चों दीयां लड़ाई दीयां भी सामने आईयां ने। ते जो तेज धार हथियारों के नाल एक दूसरे पर हमला किया गया, वह भी CCTV तस्वीरां सामने आईया ने, बयान भी सामने आए ने। सो एक बार तुहानू तस्वीरां दिखाने आ, फिर तुहानू बयान सुनाने आ कि किस तरीके दे नाल ये घटना वापरती है। छोटे बच्चों की लड़ाई दे विच एक महिला की मौत हो जाती है, टेंशन लै ली जाती है उसके वलों। तो उस तो बाद परिवारक मैंबरां दे वलों 10 तों 15 लोग बुला के तेज धार हथियारों के नाल 2 दिन बाद हमला किया जाता है। तो अजिहे इल्जाम ने लगाए गए दूसरे धिर दे वलों। सो एक बार तुहानू तस्वीरां दिखाउने आ, बयान दर करवाउने आ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਚੱਲ